आई थिंक वो ब्रेक हर रिकॉर्ड ब्रेक करने के लिए बनी है और वही करती जा रही है. सो वी आर वेरी हैप्पी. हमारे देश के लिए बहुत प्राउड मोमेंट है ये जो उन्होंने अभी वहाँ अवार्ड जीता है और शायद वो और जीतेंगी क्योंकि वो अभी जितना मेहनत करती हैं, जिस तरह से वो एक एक चीज़ के लिए पैशनेट हैं, तो वो आगे बढ़ती जाएंगी शायद. सरबजीत बहुत अच्छी तरह से शेप ले रही है. बहुत ही टफ फिल्म है क्योंकि बहुत ही रियल जोन पे एक बायोपिक है. सो हमें एक एक चीज़ पे ध्यान देना पड़ रहा है. सो बट जिस तरह से मेहनत हो रही है, जिस तरह से काम हो रहा है, आई थिंक ये फिल्म अच्छी बन के आ रही है और ये आप लोगों को पसंद आएगी. ये काफ़ी जो रियल हुआ है, रियलिटी के काफ़ी करीब रखी गई है. इसमें कोई कॉन्ट्रोवर्शियल मुझे लगता नहीं इसमें कुछ टॉपिक हो गया सब. जी जी, सपने क्यों नहीं पूरे होते. मैं आज जो यहाँ खड़ा हूँ, मेरा एक सपना था. मैं दिल्ली से हूँ, मिडिल क्लास फैमिली से. उसके बाद मैंने सपना देखा था इंडस्ट्री में आने का, फिल्में करने का, एज ए लीड फिल्में करने का. जो मुझे आपने देखा, जैसे मैं मैरी कॉम में मेरी फर्स्ट फिल्म थी प्रियंका के अपोजिट, इतने बड़ा चांस मिलना, इट्स लाइक जैसे एक बहुत बड़ा सपना पूरा होना है और वो शायद हुआ है. आई थिंक सपना आप देखें और उसके लिए मेहनत करें तो यूनिवर्सल पावर आपका साथ देती है और आप वहाँ तक पहुँच जाते हैं. आज प्रियंका को देख लो, प्रियंका आज जो हॉलीवुड में धमाल मचा रही हो, शायद इसी कारण ही उनका सपना था.